एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सोमवार को रांची पहुंची। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। रांची के चाणक्य बीएनआर होटल में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन किया गया। यहां एनडीए ने सांसद और विधायकों की बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में उन्होंने सांसद और विधायकों से समर्थन की अपील की। बैठक में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और लंबोदर महतो भी मौजूद रहे। साथ ही हजारीबाग जिले के बरकट्टा से निर्दलीय विधायक अमित यादव भी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन दे रहे हैं। वह भी एनडीए विधायक दल की बैठक में मौजूद थे। दिन के 10:30 बजे के बाद से ही एक के बाद एक विधायक सांसदों का बीएनआर होटल आना शुरू हो गया था। पहले तय कार्यक्रम के अनुसार 10:30 बजे उन्हें रांची पहुँचना था, लेकिन वह देर से पहुँची। होटल बीएनआर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लगभग 1:00 बजे बीएनआर होटल पहुंची। शाम लगभग 6:00 बजे द्रौपदी मुर्मू सीएम आवास पहुंची। राज्य में अगर वोटों के गणित पर नज़र डालें तो एक विधायक के वोट का मूल्य 176 है, जबकि एक सांसद के वोट का मूल्य 700 है। इस लिहाज से झामुमो, कांग्रेस और राजद को मिलाकर महागठबंधन के पास कुल 11,248 का आंकड़ा है। हालांकि इसमें माले और एनसीपी के एक एक विधायकों की संख्या भी जोड़ी गई है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।